सिलीगुड़ी के पंजाबी पाड़ा स्थित एक गैरेज में काम करते समय वाहन में आज सुबह विस्फोट हो गया था। घटना के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान मेयर ने कहा कि गैरेज को सील करने के अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा मामले की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि आज सुबह वार्ड नंबर 13 के पंजाबी पाड़ा स्थित एक गैरेज में सेना अधिकारी के वाहन में काम चल रहा था, तभी वाहन के एसी में गैस भरने के दौरान अचानक विस्फोट हो गया, जिससे गैरेज के 3 कर्मचारी सहित सेना के एक जवान भी घायल हो गए थे, जिसके बाद सभी घायलों को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में ले जाया गया, फिलहाल जहां सभी चिकित्साधीन है। इधर घटना के बाद मेयर गौतम देव ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गैरेज को सील कर पूरे मामले को सिलीगुड़ी नगर निगम देख रही है। কর্পোরেশন কে দেখতে বলেছে, বাকিটা দেখছে, তিনজন ইনজুরড হয়েছে, দেখছি বাকিটা কর্পোরেশন কে বলেছি, ব্যাপারটা টোটাল ব্যাপারটা দেখতে দোকানটা সিল করা হয়েছে, চাবিটা পুলিশকে দিয়েছে, পুলিশ দেখছে, আর্মির গাড়ি ছিল।